न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। उज्जैन में सट्टा खिलाते हुए पकड़ाए आरोपियों को नीलगंगा थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आरोपी सोफे और कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था का जमकर मजाक उड़ रहा है। गौरतलब है कि साइबर सेल में रेलवे कॉलोनी को एक मकान में दबिश देकर भाजपा पार्षद समेत 5 लोगों को सट्टा खिलाते हुए हिरासत में लिया था। आरोपियों के पास से टीवी, मोबाइल, नकदी के 7 करोड़ रुपए के हिसाब किताब के 3 रजिस्टर बरामद हुए थे। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन भाजपा पार्षद और उसके साथियों को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जिस वक्त पुलिस ने मकान में दबिश दी थी, अब्दुल खलील आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाते हुए रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। वहीं अजीज अबराज, भाजपा पार्षद फारूक समेत अन्य अपने अपने मोबाइल से सट्टे को दाव लगा रहे थे। आईपीएल का सट्टा भी पकड़ा है और करीब 6 लोग पकड़ाए हैं। कार्रवाई अभी जारी है। उनके पास से मोबाइल और करोड़ों के सट्टा पर्ची मिली है, तो भी हिसाब होना है। 10 मोबाइल मिले हैं जो लाइन पे काम कर रहे थे। इसके अलावा कुछ दूसरे मोबाइल्स भी हैं, तो अभी उस बारे में जांच की जाए। अभी सबके नाम और ये नोट हो रहे हैं, जो भी स्थिति होगी वो सामने। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज आज। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आज।